कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल 1193 या पूर्व के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित और उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। ऐबक से तुगलक तक स्थापत्य और वस्तु शैली में बदलाव यहां स्पष्ट देखा जा सकता है। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की और फूल बेलों की महीन नकाशी की गई है। कुतुब मीनार पुरातन दिल्ली शहर दिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेषों पर बनी है। दिल्लिका अंतिम हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी थी। इस मीनार के निर्माण उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद से अजान देने, निरीक्षण और सुरक्षा करने या इस्लाम की दिल्ली पर विजय के प्रतीक के रूप में बनी है। इमाम जमीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, अलई दरवाजे के आगे। यह एक अष्टकोणीय आकार की कब्र है। वह एक इस्लामी उपदेशक थे जो सिकंदर लोडी के शासनकाल के दौरान इस परिसर में रहते थे। चिश्ती संप्रदाय के इस तुर्की सूफी संत का नाम इमाम मोहम्मद अली था, जिसे सामान्यतः इमाम जमीन के नाम से जाना जाता था। वह 15वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली आए थे और उनको कुवतुल इस्लाम मस्जिद का इमाम बनाया गया था। इमाम जमीन ने खुद अपने मकबरे की रचना की थी और इस कब्र के निर्माण के 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दफनाया गया। अलाई दरवाजा क्वात उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी तरफ से मुख्य प्रवेश द्वार है। यह 1311 में दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, जिसने पूर्व पक्ष के खंबे में एक अदालत भी शामिल की थी। गुबंद वाले दरवाजों को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की सजावट नस्क लिपि में शिलालेख और पत्थरों की शिल्प के साथ सजाया गया है और तुर्की कारीगरों का उल्लेखनीय शिल्प कौशल दिखाया गया है। इस्लामी वास्तुकला सिद्धांतों को इसके निर्माण और आभूषण में रोजगार देने के लिए यह भारत की पहली इमारत है। इसे दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक माना जाता है। इसके घिरे मेहराब और फ्रिंज के अग्रदूत के साथ कमल की कलियों के रूप में पहचाना जाता है। यह क्वात उल इस्लाम मस्जिद का अनुग्रह देता है, जिस पर यह प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित क्वात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन बाद के शासकों ने भी इसका विस्तार किया, जैसे अल्तुतमिश ने 1230 में और अलाउद्दीन खिलजी ने 1391 में इसमें कुछ और हिस्से जोड़े। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का एक अनूठा संगम है। एक और इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके बुर्ज
इस्लामिक शैली से बने हुए हैं। यह मस्जिद मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई थी। लोअर स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुकर्म का पराकाष्ठा है। स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और पहले हिंदू और जैन मंदिर का एक हिस्सा था। लगभग 1600 से अधिक वर्षों से ये खुले आसमान के नीचे सदियों में सभी मौसमों में अविचल खड़ा है। इतने वर्षों में आज तक उसमें जंग नहीं लगी। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो खुदा हुआ है उसके अनुसार चंद्रराज द्वारा मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। इस पर गरुड़ स्थापित करने हेतु इसे बनाया गया होगा, अतः इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। 1050 में यह स्तंभ दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल द्वारा लाया गया। दिल्ली सल्तनत शासक दिल्ली के दूसरे सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा नई दिल्ली के मेहरोली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का भी हिस्सा है। सफेद संगमरमर में कब्र कक्ष के केंद्र में उठाए गए मंच पर रखी है। प्रवेश द्वार और आंतरिक दीवारें अलंकृत नकाशी के लिए जानी जाती हैं। आंतरिक पश्चिम दीवार में संगमरमर के साथ सजाए गए एक प्रार्थना आला और इस्लामिक वस्तुकला में हिंदू रूपों का एक समृद्ध समामेलन है। मस्जिद के दक्षिण पश्चिम परिसर के पीछे एल आकार का निर्माण होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, मदरसा, उनके द्वारा निर्मित एक इस्लामी धर्मशाला शामिल है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक अति महत्वाकांक्षी सम्राट थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे। अपने डेक्कन अभियानों से लड़ाई जीतने के बाद वह इस स्मारक का निर्माण करने के लिए आदेश दिए थे। वह अपनी जीत के संकेत के रूप में इस स्मारक का निर्माण करना चाहते थे, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से दुगनी करवाना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनकी इमारत इतनी ऊंची हो कि पूरी दुनिया सुल्तान की महानता और साहसी प्रकृति के बारे में जान जाएगी। सुल्तान की योजना के अनुसार स्मारक का निर्माण शुरू किया गया। अलाई मीनार की पहली मंजिल 24.5 मीटर ऊंची थी, लेकिन दुर्भाग्य से 1316 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद निर्माण को छोड़ दिया गया। सभी प्रयासों के बावजूद सुल्तान का सपना सपना ही बनकर रह गया और अलाई मीनार कभी कुतुब मीनार जितनी नहीं बन पाई।